भैया जी हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, देख सकते हो लेट करा रहे हैं बिल्कुल इस रेल में, और एकदम मजे से देख सकते हो यहाँ पे। और ये नहीं है कि ये स्लीपर गाड़ी है, ये बिल्कुल पैसेंजर की तरीके से चल रही थी और पैसेंजर ही लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। इंडियन रेलवे में कितना भीड़ होता है। फाइनली हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं और नासिक से प्लेटफॉर्म इस प्रकार से दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 चकडेला उभरामुनका। या प्लेटफॉर्म वरून थोड़ा वेळा इथे न थांबणारी फास्ट गाड़ी जाणार आहे। यही हमारा लॉज है जहाँ हम लोग रुके हैं, देख सकते हो। और फिर अब ऊपर चलते हैं, पूरा दिखाते हैं आपको, रूम टूर कराते हैं, कैसा है यहाँ का। लाइट ऑन करो। ये था हमारा रूम जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था, देख सकते हो। और यहाँ पर ही वॉशिंग मशीन था, ये उनके कपड़े धुले हम लोगों ने। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं रिफ्रिजरेटर। ये रिफ्रिजरेटर है, ये हम लोगों ने पानी ठंडा लग किया था। और यहीं पर साइड में आर ओ का फिल्टर लगा हुआ है। और फिर हम लोग नीचे की तरफ जा रहा है होटल के बालकनी में। और यहाँ के अगर आप बाहर की तरफ देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ये हमारा नासिक का ब्यूटीफुल सोमेश्वर, और जिसकी बात कर रहे थे भाई वही ओवर ब्रिज है, देख सकते हो आप लोग। वेदर काफी अच्छा। तो ये रहा हमारा भाई जो नासिक की गलियों में भ्रमण कर रहा है, नासिक रोड पर घूम रहा है। चाय का दुकान फाइंड करना है एग्जैक्टली कहाँ पर है, बाकी सब तो सही है।
वेदर आपको दिखाते हैं यहाँ का वेदर। अभी क्लाउडेस तो नहीं दिख रहे हैं, क्लाउड्स नहीं दिख रहे हैं, बट वेदर यहाँ का काफ़ी अच्छा है। हरदोई की कंपेरिजन यहाँ गर्मी कम है। यहाँ का पूरा मार्केट, रात में हम लोग निकले हैं मार्केट में, सोचा तो यार कुछ खाने पीने का भी सामान लेना चाहिए। क्यों भाई, और क्या भाई, रात भी हो चुका है, तो फिर हम लोग आ चुके हैं शाह शोय लेने, शोय पैक करना है। अच्छा, पार्सल है क्या? पार्सल तू जानती थी पैक क्यों गुड़िया ये तो चांगले है उलट अंकल चाय निकाल रहे हैं। कितने का क्या है अंकल चाय? 10 का। 10 का 3 का भैया जी, 3 चाय ले रहे हैं। दूसरे काम नहीं चलेगा, दूसरे काम नहीं चलेगा। ये है दूसरा चौक, उड्डा पुल, उड़ान पुल पर हम लोग खड़े थे, सॉरी नीचे खड़े थे उड़ान पुल से। अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। कम भाई को लगता है नींद का हैंगओवर हो गया है, नीचे से ऊपर बोल रहा है, ऊपर से नीचे बोल रहा है। और यहाँ का मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आपको पॉलिथीन जो मिलेगा वो इको फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंट में घुल जाएगा। ये पेपर पेपर पॉलिथीन मिलेगा जो कि बहुत अच्छी चीज है। रात का बजा है 9 और नाइट वॉक कर रहे हैं हम लोग नासिक में इस समय है, देख सकते हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और हम लोग भोजन की तलाश में भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, देखते हैं क्या मिलता है खाने को यहाँ अच्छा सा। वैसे यहाँ का वेदर जो है ना काफ़ी अच्छा है, मतलब कि मॉडरेट वेदर है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, और अच्छा मौसम है। भीड़ भाड़ भी है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं जैसे कि लखनऊ वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर, दबा के शेयर करिए। चलो घूमते हैं यार, यहाँ हर जगह पर तो चलो पाव भाजी, थोड़ा पाव देखो, बड़ा पाव, पाव भाजी, यहाँ पर चपाती ढूंढना एक उसे में सुई सब ढूंढने के बराबर है। भाई साथ में है,
और ये देखा काफी अच्छी यहाँ की छत्रपति शिवाजी चौराहा बोला जाता है, देख सकते हैं। ये है छत्रपति महाराज शिवाजी चौक नासिक रोड। मार्केट काफी अच्छा है, बेटर है काफी।